सब्सक्राइब करो पंजाबी टीवी बेल भी नप दो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिसिंग एंड शी इज दिलप्रीत कौर। सत श्री अकाल। सो गाइस, आज दी वीडियो इट्स अबाउट हजरत इमाम हुसैन जी। जिदा तुहानू पता है कि यह मुहर्रम दा महीना चल रहा है एंड काफ़ी टाइम हो गया। मतलब आप अगे भी एक वीडियो देखी सी जो कि इमाम हुसैन जी ते सी, एक पढ़ो बड़ी छोटी जी वीडियो सी ते बड़ी डीप इन्फॉर्मेशन नहीं सी। दैन आपू सारे ने सुजैसट किया कि एक डॉक्यूमेंट्री है यू शुड सी, सो दैट्स वाई वी आर वॉचिंग दिस वीडियो विद यू आज होने इस टाइम। ठीक है, सो हाँ जी वीडियो देखते हैं। एक्चुअली काफ़ी गल्लां हैगियां, काफ़ी सवाल है मन च, वो वीडियो देख के ही शायद निकल जाएंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए आप वीडियो शुरू करते हैं। सो हियर वी गो। संसार के जरिए एक जालिम बादशाह ने इस सदा को बुलंद किया कि कोई दीन नहीं, कोई रसूल नहीं, ना ही कोई वही आई थी। ताकत दौलत के सामने पूरी दुनिया खामोश रही, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस एक चक्की पीसने वाली माँ और एक फटे पुराने और टूटी हुई चप्पल पहनने वाले बाप का बेटा हुसैन इब्ने अली उठा और कहा, ऐ यजीद, तू झूठा है। मेरा नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है ताकि इंसान अपनी इस्लाह कर सके। यजीद ने कहा, तू मुझे नहीं जानता, मेरे पास तलवार है, दौलत है, हुकूमत है। इमाम हुसैन ने कहा, मेरे पास सब्र है, शराफत है, सदाकत है। बस रात की तारीकी में इमाम हुसैन अपने नाना रसूल अल्लाह के रोज़े पे आते हैं, अल्लाह के महबूब ख्वाब में आते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे नवासे, इसी दिन के लिए तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें इस्लाम पर कुर्बान होना है, अपना सब कुछ दीन खुदा पे फिदा करना है, अपने खून से इस्लाम की सदाकत को बयान करना है, अपने सर को तन से जुदा करवा के नौके नैजा पे सवार करवा के कुरान की तिलावत को सुनाना है ताकि रोज़े महशर तक कोई यजीद ये कह ना सके कि तुम्हारा नाना झूठा था। बस ये कहना था। इमाम हुसैन अपनी बहनों बेटियों को लेकर मक्के से होकर करबला की तरफ रवाना हो गए। फौज यजीद ने चारों तरफ से मौला हुसैन को घेर लिया, 3 दिन से पानी बंद कर लिया। इमाम हुसैन सब्र करते रहे। शब आशूर अपने तमाम चाहने वालों को एक खेमे में बुलाया और कहा, ऐ मुझसे प्यार करने वालों, ये जो बाहर फौज खड़ी है ये सब मेरे नाना के दीन के दुश्मन हैं, मेरे बाबा के दुश्मन हैं। इन सबको मेरा खून चाहिए, मेरा सर चाहिए। मैं तुम सब के लिए हुज्जत तमाम करता हूँ, जाओ अपने गांव वापस चले जाओ, तुम्हारी जन्नत का जामिन मैं हूँ। बस ये कहना था। सब इमाम हुसैन को हसरत की निगाह से देखते रहे। इमाम हुसैन ने कहा, शायद तुम्हें आंखों की शर्म ने रोके रखा है। अब्बास, चिराग बुझा दो। चिराग का बुझना था। इमाम हुसैन ने कहा, जाओ अपने अपने शहर वापस चले जाओ, तुम सब की जन्नत का दामन मैं हूँ, तुम सबको शहादत का मर्तबा अल्लाह से मैं लेके दूंगा, जाओ। बस कुछ देर के बाद इमाम हुसैन ने जैसे ही चिराग जलाया, क्या देखे, सब के सब तलवार अपनी गर्दन पे रख के कहते हैं, ऐ हमारे आका हुसैन, आपको छोड़ के कैसे जाएं? ना हमें जन्नत की लालच है, ना हमें जानों का खौफ है। सिर्फ इतना बताएं, जब रोज़े महशर आपके नाना पूछेंगे कि मेरे नवासे को ऐसे ही छोड़ दिया, आपकी वालदा पूछेगी कि मेरे बेटे को ऐसे ही तलवारों के बीच में छोड़ दिया, तो उनको क्या जवाब देंगे? हमें आपके कदमों पे कुर्बान होना है। बस 10 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ। इमाम हुसैन ने कहा, अकबर, अजान दो। अली अकबर की अजान से सहराए करबला गूंज उठा और नमाज फज्र में ही इमाम हुसैन पे हमला हो चुका। एक एक इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान होता गया। कभी हुर का लाशा आता है तो कभी हबीब इब्न मज़ाहिद का, कभी ओन मोहम्मद के लाश आते हैं तो कभी कासिम के टुकड़े मिलते हैं। तारीख में लिखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना रसूल अल्लाह से बहुत प्यार करते थे। अपने नाना की रहलत के बाद बार बार अपने बाबा अली से कहते थे, बाबा मुझे नाना की बहुत याद आती है। इमाम अली कहते थे, ऐ हुसैन नमाज में दुआ मांगा करो, अल्लाह तुम्हें हम शक्ल पैगंबर अता करेगा। तो अल्लाह ने अली अकबर अता किया। जब भी नाना की याद आती थी अली अकबर की जियारत किया करते थे। जब अली अकबर ने कहा, बाबा मुझे भी इजाज़त दें ताकि मैं भी आपके कदमों पे कुर्बान हो जाऊं, इमाम हुसैन ने फरमाया, जा अकबर अल्लाह के दीन पे कुर्बान हो जाओ। बस जैसे ही घोड़े की जीन से ज़मीन पे आते हैं, इमाम हुसैन अली अकबर के पास आते हैं। देखते हैं जवान बेटा 18 साल का अली अकबर। कहते हैं, बाबा मेरे सीने में बहुत तकलीफ है। बस जैसे ही सीने के हाथ को हटाना था, इमाम हुसैन देखते हैं एक बर्छी है जो अली अकबर की कलेजे में लगी है। बस हाथों से बर्छी को पकड़ा है और आसमान की तरफ निगाह करके कहा, ऐ दादा इब्राहिम देख ले, जब आप कुर्बानी दे रहे थे आपकी आंखें बंदी हुई थी। देखो मेरे दादा इब्राहिम मैं किस तरह से कुर्बानी देता हूँ। बस अल्लाह अकबर कहकर जैसे ही बर्छी को निकाला, अली अकबर तड़पने लगा और बर्छी के साथ साथ अली अकबर का कलेजा इमाम हुसैन के हाथों में आ गया। बस खून अकबर को लिए कहते हैं, ए अल्लाह कबूल करना, तेरे इस्लाम के लिए मैंने अकबर भी कुर्बान कर दिया। और आके अपनी आखिरी हुज्जत तमाम करते हैं। फौज यजीद के सामने कहते हैं, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई इस पूरी दुनिया में मुझ गरीब हुसैन की मदद करने वाला। बस सोए हुए लोगों के सोए हुए ज़मीर खामोश रहे, लेकिन एक 6 माह का अली असगर अपने आप को अपनी माँ की गोद से गिरा के कहता है कि मुझे भी मैदान में ले चलो, मैं भी अपने आका हुसैन के कदमों पे कुर्बान होगा। बस इमाम हुसैन को बीबी रुबाब ने अली असगर दिया और कहा, ऐ मेरे आका ये सोता नहीं, इसे पानी पिलाओ। इमाम हुसैन अपने 6 माह के असगर को लिए मैदान में आते हैं और कहते हैं, ऐ लोगों अगर तुम्हारी जंग है तो मेरे नाना के दीन से है, अगर तुम्हारी नफरत है तो मेरे बाबा अली से है, मुझसे है। इस 6 माह के बच्चे ने क्या कसूर किया है? 3 दिन से पानी न पीने की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। बस चंद कतरे इसे पानी पिलाओ। तो किसी जालिम ने कहा, असगर अगर खुद पानी मांगेगा तो हम उसको पानी पिलाएंगे। बस जैसे ही इमाम हुसैन ने कहा, असगर पानी मांगो, ये सुनना था, उमर बिन साद ने कहा, हुरमिला जल्दी असगर का निशाना ले और जल्दी तीर से इसका काम तमाम कर, ये आले रसूल हैं, इसमें कोई शक नहीं, आज असगर पानी मांग लेगा। और अगर असगर की मासूम आवाज़ फौज यजीद तक पहुंची तो सब के सब लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। और जिस तीर से जानवरों का शिकार किया जाता था, एक 6 माह के बच्चे पर वो तीर चलाया। उस तीर की 3 नोकें थी। तारीख ने लिखा, एक अली असगर के कान में लगी, एक गले में लगी और एक कब्र में लगी। तीर इतना भारी था कि जहाँ जहाँ तीर जा रहा था असगर भी वहाँ वहाँ जा रहे थे। तीर अली असगर को चीर के इमाम हुसैन के बाजू पे आ लगा। इमाम हुसैन ने जैसे ही अपने मासूम असगर को देखा, तारीख ने लिखा, कुछ खून निकला, कुछ माँ का दूध अली असगर के जिस्म से निकला। इमाम हुसैन ने उस खून को लेके आसमान की तरफ फेंकना चाहा, आसमान रोने लगा। जमीन की तरफ फेंकना चाहा, जमीन तड़पने लगी। वो खून असगर अपने चेहरे पे मल लिया और कहा, रोज़े महशर मैं अपने नाना को दिखाऊंगा कि नाना आपके दीन के लिए मैंने असगर किस तरह कुर्बान किया। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए और आके सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबदीन को वसीयत करते हैं कि ऐ सज्जाद मेरे बाद दीन की हिफाजत करना, नमाज कज़ा नहीं करना, कदम कदम पे अपने नाना की सदाकत और रिसालत को बयान करते रहना, अपनी बहनों से, बेटियों से अलविदा कह के मैदान में आते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा को बुलंद करते हैं। जो भी अली के शेर के सामने आता है फिर नार होता जाता है, जो भी हुसैन के सामने आता है फिर नार होता जाता है। बस सबने ये मिल के फैसला किया कि ये अब्बास का भाई है, अली का बेटा है, रसूल अल्लाह का नवासा है, इससे कोई जीत नहीं सकता। दूर चले जाओ और दूर से तीर चलाओ, पत्थर चलाओ ताकि हुसैन घोड़े की जीन से जमीन पे आ जाए। बस तीरों की बरसात हुई नबी के नवासे पर, जहरा के लाल पर। बस रसूलुल्लाह का नवासा जब घोड़े की जीन से ज़मीन पे आया, न जीन पे था न ज़मीन पे था, तीरों के मुसल्ले पे था। उमर बिन साद ने कहा हुसैन का सर काटो। जो भी हुसैन का सर काटने के लिए करीब जाता है, जैसे ही देखे हुसैन की आंखों में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आता है, वो रोकर वापस आ जाते हैं। बस शिवर करीब आता है और ये कहता है कि ये काम मैं ही करूँगा, और गर्दन पे इमाम हुसैन की छुरी रखता है। जैसे ही छुरी को चलाना शुरू करे, देखिए इमाम हुसैन के मुबारक लब हिल रहे हैं। वो सोचता है कि शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे हैं। करीब आके सुनने की कोशिश करता है, क्या सुने? इमाम हुसैन के मुबारक लबों से आवाज़ आती है, ऐ अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल करना, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस अजीम इम्तिहान के लिए चुना। और इमाम हुसैन के खून के एक एक कतरे ने कयामत तक इस सदा को बुलंद कर दिया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम उनके रसूल हैं। बाद हुसैन खयाम चलाए गए, इमाम हुसैन की बहनों को कैद किया गया, बाजारों में फिराया गया, पत्थर मारे गए, लेकिन इमाम हुसैन का कटा हुआ सर नोके नैदा पे सवार होकर भी कुरान की तिलावत सुनाता गया और दुनिया को बताता गया कि दीन हक क्या है। सलाम हो दीन बचाने वाले नवासा रसूल हुसैन इब्ने अली पर।